वीडियो शुरू होने से पहले अभी सब्सक्राइब कीजिए ईशान टेक वर्ल्ड को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाले अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिलते रहे। ईशान टेक वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी इन इजी वर्ड्स। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ईशान है, वेलकम बैक टू दिस चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। दोस्तों, व्हाट्सएप के बारे में तो आप सभी को पता है, 1 बिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स है व्हाट्सएप पे, तो इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि व्हाट्सएप की पॉपुलैरिटी क्या है। और इसी के अगेंस्ट, व्हाट्सएप के अगेंस्ट या व्हाट्सएप के कंपटीशन में मैं आपको बता देता हूँ कि पतंजलि जो है ना, वो अपना एक चैटिंग ऐप निकालने वाली है जिसको बोलते हैं किम्बो। सो इसी ऐप के बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा, दूंगा कुछ छोटी छोटी सी इस ऐप के बारे में इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद में आप डिसाइड कीजिए कि क्या ये कॉम्पिटिटर बन सकता है व्हाट्सएप का या नहीं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, वैसे तो अगर मैं आपसे बात करूं किम्बो ऐप के बारे में, तो इसको लॉन्च किया गया था May 30 को ही, लेकिन जस्ट इन अ स्पैन ऑफ 24 आवर्स इसको प्ले स्टोर से निकाल लिया गया, क्योंकि कुछ किम्बो के यूजर्स ने ही ऐसी कंप्लेंट करी थी कि सिक्योरिटी वाइज दिस ऐप इज़ नॉट गुड। तो उसमें और ज़्यादा बेहतरी लाने के लिए इसको गूगल ऐप प्ले स्टोर से निकाल लिया गया था, और उसके बाद में इसकी रिलीज डेट रखी थी 27th of August को, लेकिन अब वो भी निकल गई है, इसलिए अब वो भी पोस्टपोन हो गया है। जहाँ तक बात करेंगे इस एप्लीकेशन के बारे में दोस्तों, तो पतंजलि का ये कहना है कि इनको एक मेड इन इंडिया चैट एप्लीकेशन बनानी है। मेड इन इंडिया चैट एप्लीकेशन, तो मुझे ज़रा ये बताइए कि हाइक मैसेंजर ऐप मेड इन इंडिया नहीं है। वैसे दोस्तों, पतंजलि का ये कहना है कि किम्बो जो है वो संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब है व्हाट्स गोइंग ऑन। दोस्तों, आगे मैं इसमें आपसे बात करूंगा। एक और इंडियन चैट ऐप है बोलो ऐप, और उसके फाउंडर है अदिति कमल। तो ऐसा बताया जा रहा था कि अदिति कमल जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगी किम्बो ऐप में, लेकिन फिर बाद में उन्होंने क्विट कर दिया पतंजलि। अब वो भी जो है ना सेपरेटली बोलो ऐप लॉन्च करने वाली है किम्बो ऐप के कॉम्पिटिशन में। अब दोस्तों, मैं आपको एक और एक चीज ये बता देता हूँ कि जब ये ऐप लॉन्च हुआ था मे को, तो उसके बाद में यूजर्स ने ये भी कंप्लेंट की थी कि ये ऐप जो है ना वो बिल्कुल एक तरीके से कॉपी है बोलो चैट ऐप की, जो कि उससे तकरीबन 1 साल पहले ऑलरेडी लॉन्च हो गया था। अब दोस्तों, जहां तक मैं बात करूंगा किम्बो ऐप के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो पतंजलि का कहना है कि इसमें AES सपोर्ट है, मतलब एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, और इसमें जो है ना काफ़ी सारे दूसरे स्पेसिफिकेशंस भी है, जैसे कि आप इसमें वीडियोस शेयर कर सकते हैं, इमेजेस शेयर कर सकते हैं जिस तरीके से व्हाट्सएप में भी कर सकते हैं, GIF, डूडल, जिस तरीके से आप व्हाट्सएप में भी ये सब चीज़ें शेयर कर सकते हैं, और इन सब के साथ साथ इसमें वीडियो कॉलिंग भी सपोर्टेड है। अब ये सब एप्लीकेशंस तो है, ये क्लेम तो कर रही है दोस्तों कि ये सब फीचर्स है इसमें, समझ में तो तभी आएगा, पता तो तभी चलेगा जब ये लॉन्च होगा, उसके बाद में यूजर्स इसको यूज़ करेंगे, वो लोग अपने अपने वैल्यूएबल रिव्यूज देंगे, उसके बाद ही पता लगेगा क्या सही में ये कॉम्पिटिटर बन सकता है एक ऐसी एप्लीकेशन का जिसके ऑलरेडी मोर देन 1 बिलियन यूजर्स है। तो आपका दोस्तों क्या ख्याल है, आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए क्या ये व्हाट्सएप को कम्पीट कर पाएगा या नहीं। तब तक के लिए मैं आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह अगले वीडियो, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक, एंड प्लीज दोस्तों इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल येट, सो प्लीज 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 स्मैश दैट सब्सक्राइब बटन राइट नाउ, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे जब भी हमारे चैनल पे वीडियोस पड़े तो उसके अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स हमारे पास आएंगे उतना ज्यादा मोटिवेशन हमें मिलेगा और अच्छे वीडियोस आपके लिए डालने का, को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, आपकी जितने भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पे अकाउंट्स है आप प्लीज सब जगह पर शेयर कीजिए। तो तब तक के लिए मैं आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह अगले वीडियो में। जय हिंद।